नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह का बयान सामने आया। शिवराज सरकार के दौरान भजन मंडियों को बांटा गया पैसा वापस मंगाया, उसका सही उपयोग नहीं हो रहा था। ये बात जयवर्धन ने कही है। हितग्राहियों तक नहीं पहुंच पा रही थी राशि, जिसकी वजह से सरकार ने ये फैसला लिया। शिवराज सरकार ने 22,824 पंचायतों को दिया था ढोल मंजीरे खरीदने का पैसा। भजन मंडियों को बांटे गए थे 57,60,00,000 रुपए। बीजेपी ने क्या धर्म का ठेका लेकर रखा है, ये बात जयवर्धन ने कही। बीजेपी की 15 सालों तक सरकार थी, क्या एक भी गौशाला उन्होंने इन 15 सालों में खोली? ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था बहुत समय से, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित हैं तो अनिवार्य होना चाहिए था पहले से भी कि अधिकतर लोग जो हमारे प्रदेश के हैं, जो यहीं पर बड़े हुए हैं, जिन्होंने लाखों रुपए उनके शिक्षा पर खर्च किए हैं, तो उनको ही पहले रोजगार मिलने में प्राथमिकता होनी चाहिए थी। और मैं हमारे बहुत ही मेहनती और कर्मठ मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनने ये निर्णय लिया है, युवाओं के हित का निर्णय है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस निर्णय से जो बेरोजगार शिक्षित युवा थे उनको और रोजगार के अवसर मिलेंगे। उनकी सरकार 15 साल थी भाजपा वालों की, क्या उनने एक बार भी गौशाला के बारे में बात की? तो गौशाला खुलवाने का मुद्दा हमारा है, हमारी योजना है, और कमलनाथ जी के नेतृत्व में हर पंचायत में जहाँ पर जगह मिलेगी वहाँ पर गौशाला खुलवाएंगे। आशीष मंगल स्वानी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आशीष, क्या कुछ कहा मंत्री जयवर्धन सिंह ने और कैसे ये पूरी प्रोसेस होगी? देखिए सलमान, नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह का साफ तौर पर कहना है कि शिवराज सरकार के दौरान भजन मंडलियों को जो पैसा वापस जो पैसा बांटा गया है, वो पैसा वापस बुलवाया जा रहा है, क्योंकि उन पैसों का सही उपयोग नहीं हो रहा है, हितग्राहियों तक राशि नहीं पहुंच पा रही है। यही वजह है कि सरकार को फैसला लेना पड़ा कि इस राशि को वापस बुलवा लिया जाए। 22,824 पंचायतों को ढोल मंजीरे खरीदने के लिए भजन मंडलियों को यह पैसा आवंटित किया गया था, जिसकी राशि 57,60,00,000 रुपए की ये राशि थी। इस जयवर्धन सिंह, मंत्री जयवर्धन सिंह का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की राशि का हितग्राही उपयोग नहीं कर पा रहे थे, तो इस राशि को वापस बुलवाया गया है। जयवर्धन सिंह के इस बयान को लेकर पूर्व पंचायत मंत्री और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने भी निशाना साधा है सलमान, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार का ये कृत्य निंदनीय है। एक तरफ सरकार इन राशि को वापस बुलवा रही है, दूसरी तरफ मंत्रियों के बंगलों के रिनोवेशन के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।